रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से मिडनाइट विजिटर का फुल समरी देखेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बोर्ड्स में हमेशा पूछे जाते हैं उन सब चीजों पर फोकस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में एक सीक्रेट एजेंट रहता है जिसका नाम रहता है ऑजिबल, लेकिन देखने में वो एजेंट जैसा दिखता ही नहीं था। एक रिपोर्टर था जिसका नाम था फॉलर। वो ऑजिबल को देख के बहुत दुखित हुआ क्योंकि ऑजिबल देखने में सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिख रहा था। ऑजिबल जिस रूम में रहता था फ्रेंच होटल के, वो सबसे टॉप फ्लोर था और सबसे अपर पार्ट वाला जो सेक्शन था उस पे रहा करता था। ऑजिबल जो था बहुत फैट था और उसको दो भाषा आता था, एक फ्रेंच और दूसरा जर्मन, लेकिन वो अमेरिका का रहने वाला था, वो अपना अमेरिकन एसेंस भूला नहीं था। ऑजिबल बताता है फॉलर से कि वो दुखित है और वो इसलिए दुखित है कि वो एक स्पाई जैसा दिखता नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो फॉलर रहता है रिपोर्टर रहता है और साथ ही साथ राइटर भी रहता है और वो उम्मीद किया रहता है कि उसे रात में स्ट्रेंज फिगर्स देखने को मिलेंगे। वो ये भी उम्मीद लगा कर बैठा था उसे पिस्टल का साउंड सुनाई देगा और उसको ये भी पता चलेगा कि ड्रग्स और वाइन्स का भी कुछ ऐसा माजरा है, लेकिन ऐसा उसके केस में हुआ ही नहीं। और इसके अगेंस्ट में ऑजिबल उससे कहता है कि उसके पास कोई भी सुंदर लड़कियां नहीं है और वो कहता है कि चूंकि हमारे आसपास सुंदर लड़कियां नहीं है, तुम्हारे साथ में बैठा हूं तो तुम्हारी कंपनी से मैं बोरियत फील कर रहा हूं। और ये कहने के बाद ऑजिबल अपने रूम का दरवाजा खोलता है फॉलर के लिए। कुछ समय बाद ऑजिबल फॉलर से कहता है कि वो आप कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स को देखेगा क्योंकि बहुत सारे मेन और वुमेन उस इंपॉर्टेंट पेपर के पीछे है सर। वो कहता है कि इतिहास बदल सकता है ये इंपॉर्टेंट पेपर। और ऐसा कहने के बाद ऑजिबल अपने रूम का दरवाजा बंद कर देता है और उसके बाद उसने लाइट ऑन किया। तब फॉलर क्या देखता है कि एक व्यक्ति छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ उस रूम में है और वो व्यक्ति और कोई नहीं मैक्स रहता है। उसको देखने के बाद ऑजिबल कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे, क्योंकि ऑजिबल को ऐसा लगता है कि मैक्स को अभी बर्लिन में रहना चाहिए। मैक्स दुबला पतला रहता है, उसका हाइट भी ज्यादा नहीं है, वो एक फॉक्स जैसा दिखता है। मैक्स ऑजिबल से कहता है कि वो वहां पे किसी चीज के लिए आया है और वो चीज और कुछ नहीं होता है, वो एक रिपोर्ट होता है जिसमें मिसाइल के बारे में कुछ जानकारियां दी गई होती है और वो पेपर ऑजिबल के पास होता है। ये सुनने के बाद ऑजिबल चेयर पे बैठ जाता है और कहता है कि मैनेजमेंट से उसकी कंप्लेन की जाएगी। कंप्लेन में वो ये कहेगा कि कोई बाहरी व्यक्ति जो विंडो के पास बालकनी है उस बालकनी से उसके रूम में एंट्री ले लिया है। वो कहता है कि मैं ये भी कहूंगा कि जिस बालकनी से ऐसे लोग अंदर आ जा रहे हैं उसको तुरंत बंद कराया जाए। मैक्स इस बात को सुनकर बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है और कहता है कि नहीं, मैं बालकनी से एंट्री नहीं लिया हूं। वो कहता है कि मेरे पास पास की है। और ऑजिबल कहता है कि बालकनी जो है वो उसके रूम के बगल वाले रूम में अटैच्ड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे रिपोर्ट के बारे में जो बात होती है। मैक्स फॉलर को देखता है, उससे बैठने के लिए बोलता है। ऑजिबल मैक्स से उसके बाद पूछता है तुमको रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मैक्स ऑजिबल से कहता है कि मैक्स को पता है कि किस तरीके से ऑजिबल के आदमियों ने उस रिपोर्ट को प्राप्त किया है और मैक्स के मन में ये बात चल रहा होता है कि उस रात वो रिपोर्ट अपने पास ले लेगा। और तब तक क्या होता है कि ऑजिबल के रूम के दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही आवाज होता है नॉकिंग का, फॉलर जो रहता है जो राइटर है वो तुरंत चौंक जाता है। ऑजिबल स्माइल करता है, वो कहता है कि दरवाजे पे पुलिस होगी और ये भी कहता है कि उसने पुलिस को इस इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में बता दिया है और उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए जिसके वजह से पुलिस वहां पे आई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, सब चीज बेहतरीन तरीके से रहे। अब आगे देखेंगे कि जो बालकनी के बारे में ऑजिबल ने मैक्स के सामने बोला होता है क्या वो बालकनी वाकई में है या नहीं है। पुलिस के बारे में जैसे ही मैक्स सुनता है वो नर्वस हो जाता है। ऑजिबल उससे पूछता है कि मैक्स अब क्या करोगे, और अगर ऑजिबल ये नॉकिंग साउंड पे कोई रिप्लाई नहीं किया तो एक चीज समझ लो कि पुलिस को ये आभास हो जाएगा कि कुछ अंदर गड़बड़ है और वो किसी तरीके से अंदर एंट्री ले लेगी, क्योंकि डोर जो है वो अनलॉक ही था। ऑजिबल कहता है कि तुमको यहाँ पे देख के और तुम्हारे हाथ में बंदूक को देख के पुलिस तुम्हें गोली भी मार सकती है, क्योंकि जो पेपर्स ऑजिबल के पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से मैक्स का जो चेहरा था वो गुस्से के वजह से काला हो गया और उसी रात मैक्स ने खिड़की का दरवाजा खोला और अपना पैर बाहर निकाला और वो कहता है ऑजिबल से, ऑजिबल पुलिस को वापस भेज दो और वो कुछ नहीं करेगा, वो बाहर निकल के बालकनी में उसका वेट करेगा। मैक्स उसको चेतावनी देता है कि वो उसे शूट भी कर सकता है और अपना चांस ले सकता है, लेकिन जिस बालकनी की बात हो रही है वास्तव में उस विंडो के बाहर कोई बालकनी था ही नहीं। जो दरवाजा था उस पे नॉकिंग की साउंड और ज्यादा बढ़ती गई और मैक्स अपने गन को छुपाता हुआ ऑजिबल और फॉलर वहां पे जो डोर फ्रेम था उसको पकड़े हुए खड़े थे और तब तक मैक्स अपना दूसरा पैर भी विंडो से बाहर निकाला और फाइनली वहां से वो नीचे जंप कर गया। बहुत तेज आवाज सुनाई दिया और इससे ये पता चलता है कि जो मैक्स है वो बालकनी पे नहीं बल्कि ग्राउंड पे जाके गिरा है। उसके बाद जब दरवाजा खुला उस रूम का तो एक वेटर ट्रे लेके खड़ा था जिसमें एक बॉटल और दो ठे ग्लास था। वो आया और ट्रे को टेबल पे रखा और बॉटल को अनकॉर्क किया और रूम छोड़ के चला गया। ये चीज देख के जो वहां पे रिपोर्टर था पॉलर वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ
और ऑजवेल से पूछा, अरे यार तुम तो बोल रहे थे कि पुलिस आएगी। ऑजवेल कहता है कि किसी प्रकार का कोई पुलिस यहाँ पे आ ही नहीं सकता क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और उसके बाद फॉलर ऑजवेल से उस व्यक्ति के बारे में पूछता है जिसका नाम मैक्स होता है। तो ऑजवेल कहता है कि वो अब रिटर्न होने के कंडीशन में नहीं है। और इस तरीके की बुद्धिमानी करके ऑजवेल अपने आप को प्रूव किया कि हाँ वो वाकई में एक सीक्रेट एजेंट है। और फाइनली यहाँ पे आपका ये स्टोरी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज।